अपनी वीडियोस को प्रोफेशनल बनाने के लिए म्यूजिक के साथ साथ सबसे जरूरी है साउंड इफेक्ट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा दो हिस्सों में, एक बिना साउंड इफेक्ट के, एक साउंड इफेक्ट के साथ। अब इन दोनों में जो फर्क है, ये फर्क ही आपकी वीडियो को यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है, क्योंकि ये जो साउंड इफेक्ट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोग मेरे से पूछते हैं कि साउंड इफेक्ट्स हम ढूंढे कहाँ से। देखो, सब कुछ आपको गूगल पर मिल जाता है, लेकिन जितने साउंड इफेक्ट्स इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किए वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं। सारे एकदम फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट लगाने की दी बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपनी वीडियो को म्यूट कर दो। कोई भी आवाज जब उसके अंदर नहीं होगी तो आपको हर चीज के साउंड इफेक्ट का पता रहेगा कि हाँ, अब ये बंदा लैपटॉप खोल रहा है, अब ये चश्मा उतार रहा है, अब ये सांस ले रहा है, अब ये चल रहा है। हर चीज का आपको पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके का साउंड इफेक्ट आना चाहिए। अब एक एग्जांपल दूं तो, जैसे कोई इंसान कुछ खाते हुए या चबाते हुए बात कर रहा है किसी इंसान से, तो वो जो डायलॉग है, डायलॉग तो आप लोग नॉर्मली रख देते हो, लेकिन जो चबाते हुए की आवाज है वहां पर अगर आप साउंड इफेक्ट लगा दोगे तो आपकी वीडियो में चार चांद लग जाएंगे। और साउंड इफेक्ट के अंदर हमें सिर्फ लो पास का फिल्टर सर्च करना है और उठा के लगा देना है। अब लो पास फिल्टर बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो साउंड इफेक्ट है उसको दबा देगा और वो ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं साउंड इफेक्ट्स लगाते हुए कि एक ही इफेक्ट को बार बार रिपीट करते हैं, स्पेशली ये कीबोर्ड टाइपिंग वगैरह जैसे इफेक्ट्स के ऊपर। अगर आप दूसरों से थोड़ा हटके बनना चाहते हो तो आपको टाइपिंग के इफेक्ट्स भी अलग अलग लगाने पड़ेंगे। हर बटन पे अलग आवाज आती है तो आपको भी अलग आवाज ही लगानी पड़ेगी। और साथ साथ में लोग क्या करते हैं, वो जो कीबोर्ड का इफेक्ट है वो डाउनलोड किया, लगाया और वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज कर रहा है, लेकिन आपके बटनों के दबाने की स्पीड है 1 2 3 4 और उनकी स्पीड आ रही है 1 2 3 4 5। जहां पर आपका बटन दबाते हुए का सीन है वहीं पर आपका साउंड इफेक्ट भी आना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। ये चीज है ना, वीडियो को म्यूट करते हुए बहुत जल्दी समझ आती है। ये वुश और हिट्स वाले जितने भी साउंड इफेक्ट्स है ये सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे गूगल पर। मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहां है। इनको आप यूज कर सकते हो कोई रैंडम इफेक्ट्स के लिए। अब जैसे ये लैपटॉप खोलते हुए कोई हमारी आवाज नहीं थी तो वहां पे हम लगा सकते हैं, या फिर कोई हाथ हिलाते हुए, या फिर कोई पेपर हिलाते हुए। अब एक सबसे मजेदार टिप मैं अगर आपको दूं तो, मान लो कि कोई वीडियो है जो 3 सेकंड की है जिसके ऊपर आपको साउंड इफेक्ट लगाना है अपनी पसंद का। अच्छा। अब लेकिन वो साउंड इफेक्ट है आपका 1 सेकंड का, ठीक है, तो उसको 3 सेकंड तक फिट करने के लिए हम उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। प्रीमियर प्रो के अंदर आप आओ, आर का बटन दबाओ और रेट स्ट्रेच टूल जो है आपका ऑन हो जाएगा। सिंपली अपने साउंड इफेक्ट को खींच के पीछे की तरफ ड्रैग कर दो, या फिर आप उसको ऑटोमेटिकली स्लो कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपका फिट हो जाएगा। उसके ऊपर आप चाहो तो लो पास फिल्टर भी लगा सकते हो, वो काफी अच्छा और एकदम परफेक्ट आपकी वीडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से हो जाएगा। अब अगला स्टेप आता है हमारा साउंड इफेक्ट्स की लेयर। जो साउंड इफेक्ट जैसे हम लगाते हैं, पहले हमारा डायलॉग आ गया, फिर म्यूजिक आ गया, फिर साउंड इफेक्ट आ गया, तो जो साउंड इफेक्ट्स हो गए हमारे हमेशा 2 लेयर्स के ऊपर होने चाहिए। अब ये जरूरी इसलिए है 2 लेयर्स पे रखना, क्योंकि मान लो एक साउंड इफेक्ट है जो आपका खत्म हो रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है, वहीं पे आपको दूसरा साउंड इफेक्ट भी चाहिए, तो उसके लिए आप सेकंड लेयर का यूज करोगे, ना कि पहले वाले साउंड इफेक्ट को कट कर दोगे। इससे होगा क्या, बेसिकली आपके दोनों साउंड इफेक्ट्स एक के ऊपर एक रहेंगे और दोनों की ही आवाज आपको सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो साउंड इफेक्ट आपकी वीडियो में सबसे करीब है, यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कि आप चबाते हुए खाते हुए बात कर रहे हो और बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 साउंड इफेक्ट चाहिए, एक चबाते हुए का और एक टीवी की आवाज आने का। अब यहाँ पर हमारा खाना खाते हुए की जो आवाज है वो हमारी ज्यादा रहेगी और जो टीवी की आवाज है वो थोड़ी सी कम रहेगी, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हो अपनी वीडियो की थीम के अकॉर्डिंग। तो जो भी साउंड इफेक्ट आपको दूर रखना है, यानी कि जिसकी आवाज आपको कम रखनी है,
लो पास फिल्टर आप उसके ऊपर लगाना, दूसरे के ऊपर नहीं। और दो लेयर्स के ऊपर रखने की वजह से जो आपके साउंड इफेक्ट्स हैं वो आपस में काफी अच्छे ब्लेंड हो जाएंगे। और हाँ, मुझे एक चीज जरूर बताना कमेंट में कि मैं सोच रहा हूँ कि 30-40 मिनट की एक वीडियो बनाऊं पूरे यूट्यूब की, जिसमें मैं कैसे यूट्यूब शुरू करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे वीडियो सिलेक्ट करनी है, कैसे बनानी है और कैसे उनसे पैसे कमाने, ये सारा 30-40 मिनट का एक मैं कोर्स फ्री में बनाने की सोच रहा हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता देना।